नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत यूकेशन पर तो दोस्तों आर ने दूसरे दिन ग्रुप ए के संस्कृत विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया है संस्कृत की एग्जाम साम्य ज्ञान और संस्कृत की तीन और चार को हुई थी उसकी यहां पर प्रोविजनल सूची आर पी ने जारी कर दी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कैंडिडेट की संख्या तो तीन कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है बात कर हम यहाँ पर कट ऑफ की तो जनरल की तीन सौ इक्कीस पॉइंट सात जीरो रही है ई की तीन सौ ग्यारह पॉइंट दो चार यानी जनरल और ई में दस संख्या का पास ला रहा है एसी की 292 एसटी की 281 ओबीसी की 312 और एमबीसी की 294 यहाँ पर मेरिट गई है तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में खास अंतर नहीं रहा है यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के 20 में दोस्तों टक्कर होने वाली है जनरल के बाद में और इनकी मेरिट यहां पर समथिंग समथिंग लगभग सेम रहने वाली है और साथ ही साथ हम आगे बात करें दोस्तों एक सर्विस मैन की चालीस पॉइंट पांच जा रही है और पी एल सी की बी एल बी की रही है दो सौ उन्नीस और एल डी सी पी की रही है दो सौ नवासी और कुल कट ऑफ की दोस्तों बात करें तो संस्कृत की कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा ही गई है लगभग तीन सौ बीस पच्चीस के समथिंग फाइनल कट ऑफ है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कई संस्कृत के जो नामी ग्रामी कोचिंग संस्थान है उन्होंने भी लगभग तीन सौ बीस से पच्चीस फाइनल कट ऑफ बताई थी लेकिन यहाँ पर तीन सौ इक्कीस प्रोविजनल सूची की कट ऑफ गई है इसमें दोस्तों यहाँ पर लगभग दस अंक तो इसमें दोस्तों बढ़ने वाली है यानी कि फाइनल कट ऑफ की हम बात करें तो तीन सौ तीस के समथिंग इसकी जा सकती है और दोस्तों ओ बी सी में तीन सौ बारह है तो ओ बी सी में यहाँ पर एक दो अंक नीचे गिर सकती है यानी कि तीन सौ छाई सत्ताईस या फिर अट्ठाइस के समथिंग यहाँ पर फाइनल मेरेड रहने वाली है तो यह प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा गई है और साथ ही साथ ई में भी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा फासला नहीं रहा है ई डब्ल्यू लगभग समान ही रहे हैं आशा की जा रही थी कि ई की मेरिट ओ से नीचे जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है लगभग लगभग ओ और ई की समान मेरिट इसमें रही है आगे हिंदी का बड़ा रिजल्ट आएगा उसमें दोस्तों पता चल जाएगा कि ई और ओ में कितना अंतर रहता है धन्यवाद दोस्तों